हेलो गाइस, डिफरेंशिएशन का 3 मार्क का क्वेश्चन देखो बेटा। सेक्शन सी में 3 मार्क के लिए रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। ओके, सेक्शन सी डिफरेंशिएशन पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर। ओके, क्या बोल के प्रूफ करना बेटा? लॉग बेस पे 10 दिया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल क्या बोला 2। देन शो दैट dy / dx इक्वल टू -99x² अपॉन 101y². ओके, एकदम सिंपल। अब यहाँ पे करना क्या बेटा आपको, सबसे पहले ये लॉग को अगर उधर भेज देंगे तो क्या होता बेटा, x की पावर 3 y की पावर 3 लॉग उधर जाएगा तो क्या होगा बेटा, 10 की पावर 2 हो जाए। ठीक है, 10 की पावर 2 का मतलब देख लो बेटा ध्यान से 100 हो जाएगा। ठीक है, और ये उधर चला जाएगा तो क्या होगा, x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 100 इंटू x की पावर 3 प्लस y की पावर 3। ठीक है, तो x क्यूब माइनस कितना y क्यूब, 100x की पावर 3 और 100y की पावर 3। ठीक है, अब एक काम कर सकते हैं, x वाले टर्म एक साइड, y वाले टर्म एक साइड, तो क्या लिख लेता, माइनस वाई क्यूब और माइनस 100y क्यूब और 100x क्यूब माइनस x क्यूब। ठीक है, तो माइनस कितना आएगा बेटा आपको, 101y क्यूब और 99x क्यूब। ओके, अभी क्या करना बेटा आपको, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करना है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो क्या आएगा बेटा विथ रेस्पेक्ट टू x बोले तो, 101 ऐसी रहेगा, y क्यूब का डेरिवेटिव 3y² y की जगह क्या लिख लेते dy / dx, और 99 ऐसी रख लेता बेटा, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x² ओके, इनटू लिख लो, कंफ्यूज नहीं होगा, 3x² ठीक है, तो डिवाइड बाय dy / dx इक्वल्स टू क्या आता, ये 3 और ये 3 कटेगा। ठीक है, ये बंदा जब डिवाइड में जाएगा तो 99x² अपॉन 101y². अब इधर का माइनस अपन इधर लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखो बेटा प्रूफ एकदम सिंपल, मुझे लगता है 1 मिनट के अंदर आपका क्वेश्चन हो जाता है, और एकदम आराम से कर लो बेटा, घाई नहीं करना, आंसर देख के है आपको, जस्ट प्रूफ करना है। ठीक है,